हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये आज हम देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय मेरे भाई। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज और उसके बाद देखेंगे उनका अगला कदम आपकी तरफ क्या हो सकता है। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिए, जो बातें आपसे रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिए, किसी और के लिए हो सकती है। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन को सोच कर ये रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। हैंगमैन, ओवर थिंकिंग, किसी मुद्दे को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार। एट ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड फोर ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर जो मुद्दा है वो शादी है। शादी हो पाएगी या मूव ऑन करना है, शादी हो पाएगी, चीज़ें बैलेंस हो पाएंगी या मूव ऑन करना है, ये वाली चीज़ें हैं। ये अटके हुए इसी सिचुएशन में कि आपके साथ इस रिश्ते में शादी तक बात जाएगी, सब कुछ पीसफुली हो जाएगा या मूव ऑन करना है, ये इनके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है अभी इस वक्त। मूव ऑन करने की बात क्यों चल रही है? देखिए, प्यार तो ये आपसे बहुत करते हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर नो कांटेक्ट में है तो इन्हें ये भी लग रहा है कि पता नहीं चीज़ें फेवर में होंगी या नहीं होंगी। बात करूं, मैसेज करूं, कॉल करूं और कल को शादी ना करूं तो आप भी भड़कोगे कि फिर मेरी लाइफ में आए ही क्यों, अगर मुझे अपनी लाइफ में नहीं रख सकते हो या रख सकती हो तो। क्यों फोर ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इतना डीमोटिवेटेड एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन, इसका रीज़न क्या है भाई? हैरोफेंट, फैमिली नहीं मान रही, फैमिली, लोग, समाज, सोसाइटी, एम्परर एनर्जी है जिसकी वजह से ये हालत हुई पड़ी आपके पर्सन की। अगर फैमिली नहीं मानेगी तो क्या ये आपको छोड़ देंगे? ये आपसे बहुत प्यार करती हैं या करते हैं, ये आपसे दूर नहीं रहना चाहते, ये आपके फेवर में ही एक्शन लेना चाहते, इनकी हैप्पीनेस आपके साथ है, ये इनकी उम्मीद यही है कि चीज़ें बैलेंस हो जाएं। अगर फैमिली नहीं मानती है तो ये द फूल की एनर्जी में आएंगे, केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, लेंगे ज़रूर आपके फेवर में, बिकॉज यहाँ फूल की एनर्जी है और फूल किसी की नहीं सुनता, सिर्फ अपने दिल की सुनता है और इनके दिल में आप हैं, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये मैंने इसलिए क्लैरिफाई किया क्योंकि यहाँ वाइब्स हैं, तो मुझे लगा कि आप जानना चाहते होगे कि ये किसकी सुनेंगे, इसलिए मैंने क्लैरिफाई किया। वी हैव द सन एनर्जी, तो जब इतना प्यार करते हैं तो क्या कॉल मैसेज करेंगे, बातचीत करेंगे आपसे? यहाँ पर अभी सफरिंग से बाहर निकलने दीजिए, अभी फ़िलहाल इनकी लाइफ में सिचुएशन बहुत पॉजिटिव नहीं है, स्पेशली अगर ये नो कांटेक्ट में है तो। अगर कांटेक्ट में है तो ये चीज़ें आपको पता होंगी, वो आपसे ये चीज़ें शेयर की होंगी या किए होंगे, बट अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो अभी कुछ टाइम इनको दीजिए, स्पेस दीजिए थोड़ा। क्या ये चीज़ें फेवर में आएंगी? यस, सक्सेस का कार्ड है विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड सेलिब्रेशन, इनको हिम्मत की ज़रूरत है और होप की, हिम्मत एंड होप। तो ये एनर्जी है गाइज, आपके पर्सन की एनर्जी थोड़ी कंफ्यूजिंग है, लेकिन जो क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं वो आपके फेवर में आ रहे हैं, इसका मतलब कि ये टेम्प्रोरी एनर्जी है, ये जो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी है ये टेम्प्रोरी है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अंत में चीज़ें आपके फेवर में ही नज़र आ रही हैं। देखते हैं इमीडिएट एक्शन क्या होने वाला है, आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, आने वाले समय में क्या होगा।
इमिजिएटली। वी हैव सिक्स ऑफ वाटर। सबसे पहले तो बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन क्योंकि आपको बहुत याद कर रहे हैं या कर रही हैं, या आपको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लैरिटी मिल सकती है बहुत सारे लोगों को। सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है, सिक्स आवर्स, 24 आवर्स के अंदर की ये एनर्जी है। किंग ऑफ एयर एंड क्वीन ऑफ एयर विद 10 ऑफ अर्थ। कुछ लोगों के अगर मैरिज हो चुकी है और सेपरेशन में है तो यूनियन नज़र आ रहा है, बिकॉज 10 ऑफ अर्थ कंप्लीशन का कार्ड है। और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर अगर कोई अदर सिचुएशन के कारण, जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या कोई अदर प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आप दोनों में दूरी है, तो यहाँ पर आपके पर्सन इनको कन्विंस कर सकते हैं आपके लिए। ये तक बोल सकते हैं या बोल सकती हैं कि आप इनके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, आपके बिना ये नहीं जी पाएंगी या नहीं जी पाएंगे, इतना प्यार करते हैं आपसे। ये क्लैरिटी ये अपनी अदर सिचुएशंस को दे सकती हैं या दे सकते हैं। आपकी इम्पोर्टेंस इनके लाइफ में क्या है ये वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगेन वी हैव गॉट द ड्रीमर विद नाइट ऑफ सोर्स। ये केयर फ्री होकर एक्शन लेंगे, ऐसा भी ये बोलेंगे कि अगर आप लोग नहीं भी मानते हैं तो मैं जिस चीज़ पर बिलीव करता हूँ उसके साथ ही नई शुरुआत करूँगा या करूँगी, और मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैंने कुछ डिटरमाइन करके सिचुएशंस को अगर मैंने एक्शन ले लिया, डिसीजन ले लिया, तो ये मोटिवेटेड रहेंगे, पूरी तरह से ये रेडी रहेंगे, अपने डिसीजन पर स्टिल रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे। तो इनकी वाइब्रेशन आपको लेकर हर तरीके से पॉजिटिव है। 24 घंटे के अंदर इस तरह की वाइब्रेशंस आपके पर्सन की रहेंगी, ठीक है। कोई ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशंस फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, थोड़ा टेंशन अलग जगह अलग बात है, टेंशन सबकी लाइफ में होती है, बट कोई ऐसी वार्निंग एनर्जी मुझे नज़र नहीं आई फ़िलहाल। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड कोई एंजल मैसेज आपको मिल सकता है। मे बी आपके घर के नॉर्थ में कोई साइन, कोई सिंक्रोनिसिटी, कोई बर्ड, कोई एनिमल, कोई आपको स्पिरिट गाइड्स की तरफ से मैसेजेस मिले। सिक्योरिटी, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपको सिक्योर कर रहे हैं। आपकी कोई हिडन टैलेंट्स, कोई आपके अंदर के जो गुण हैं वो एक्टिवेट हो सकते हैं। एंड बहुत सारे लोगों की विशेस भी पूरी होने वाली हैं, और ये 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 60 आवर्स के अंदर ये चीज़ें रेजोनेट कर सकती हैं। देन वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन। आपके पर्सन की एनर्जी में कुछ बड़े चेंजेस आपको नज़र आएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करना है कि आप बैलेंस रहें, आपका बैलेंस ना बिगड़े, ठीक है। बाकी आपकी लाइफ में कुछ छोटे मोटे ट्रिगर्स हो सकते हैं 60 आवर्स में, लेकिन कोई बड़ा ट्रिगर या कोई बहुत बड़ा चेंज फ़िलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा। सो पॉजिटिव एनर्जी है, बैलेंस में रहिए और अपने पर्सन को थोड़ा स्पेस दीजिए। अगर वो ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, करने दीजिए, आप पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ कीजिए। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिली होगी, एनर्जी किस तरीके की है। सो गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।